भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा, सांसद नायब चाणी विधायक सुभाष सुधा ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच सनेत सरोवर और ब्रह्मस्वरूप पर पूजा अर्चना करके ब्रह्मस्वरूप के पावन तट पर दीपदान भी किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 भी संपन्न हो गया। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां सनेत सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हजारों दीपक जलाए गए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के 75 तीर्थों पर भी दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का ये दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ज्ञानचंद गुप्ता, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कमलेश डांडा, नायब सैनी विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, धुम्मन सिंह किरमच, उपायुक्त शांतनु शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बदान, मदन मोहन छाबड़ा ने मंत्रोच्चारण के बीच विराट महाआरती में भाग लेकर दीपदान भी किया। इस आरती का मंत्रोच्चारण पंडित बलराम गौतम ने करवाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता और ब्रह्म सरोवर आरती से पहले पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण शुरू हो गया था। इन श्लोकोच्चारण से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पूरी फिजा गीतामय हो गई। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सनेत सरोवर और ब्रह्म सरोवर पर हजारों दीपकों को रोशन किया गया। इन दीपों की रोशनी से सरोवरों का पूरा तट जगमगा उठा और एक मनमोहक दृश्य नजर आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव और जयंती समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का यह समारोह दीपोत्सव के कारण बहुत अद्भुत रहा और हजारों दीपों की दीपमाला से ब्रह्म सरोवर ही नहीं कुरुक्षेत्र का दृश्य अद्भुत नजर आया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ अन्य विधायकों और सांसद ने भी दीपदान किया। इस दीपदान के साथ परंपरा अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस आरती में इन मंत्रियों के अलावा हजारों की संख्या में शहरवासियों ने भी भाग लिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी सनेहत और ब्रह्मस्वरूप के तट पर दीपदान किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वर्ष 2016 से एक बड़ा स्वरूप दिया गया है। इस महोत्सव के साथ 48 कोस के तीर्थों के साथ साथ पूरे प्रदेश के जिला स्तर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से 48 कोस के 75 तीर्थों पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और आने वाले समय में 48 कोस के 350 तीर्थों पर गीता महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि कुरुक्षेत्र को दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके उपरांत श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के संरक्षक श्री जय नारायण शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी मेहमानों को अंग वस्त्र देकर सनेत सरोवर के तट पर सम्मानित भी किया। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की और समूह चित्र भी खिंचवाया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के महासचिव रामपाल शर्मा ने किया। इस मौके पर एडीसी अखिल पिलानी, केडीपी मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, सीईओ चंद्रकांत कटारिया, जिलाध्यक्ष रवि बतान भाजपा, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, केडीपी सदस्य सौरव चौधरी, सुशील राणा, महेंद्र सिंगला, उपेंद्र सिंगल, विजय नरूला, केसी रंगा भी मौजूद रहे हैं जो इस सारे का व्यवस्था करेगी। उनसे बात चल रही है, अब देखते हैं कौन से समय में और कहां से शुरू करेंगे। सर देखा जाए तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी सर कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने जा रहे हैं आप लोग? अच्छा कि उनकी व्यवस्था हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और वो जो सारी समिति है उनके माध्यम से सारी तिथियां और सारी व्यवस्था तय होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने निमंत्रण दिया है कि वहां भी गीता जयंती का कार्यक्रम हो, तिथि तय होने के बाद आपको बताएं। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मनाया गया, सब जगह 3 दिन का कार्यक्रम हर एक जिला केंद्र के ऊपर, उसका भी समापन आज ही हुआ है। और आज एक भव्य कार्यक्रम जो दोपहर में भी 18,000 विद्यार्थियों ने यहाँ सामूहिक श्लोक उच्चारण किया और साथ में 75,000 जो ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, बड़ी संख्या में गीता श्लोक उच्चारण का कार्यक्रम, इसका भी एक अच्छा लाभ मिलता है। एक अच्छी तरंगे, अच्छी वेव्स फैलती हैं और वातावरण की शुद्धता उससे बनती है। एक गीता को सिलेबस में, स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में लगाने की कुछ श्लोक उस हमने उसमें तय कर लिए हैं जो अभी पाठ्यक्रम में इस बार उनको लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का यह समारोह लगातार 2016 से और 2022 अब आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में
इसका जो संदेश जा रहा है बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं और मानव मात्र के कल्याण की भी बात करते हैं। ये कृष्ण सब भी आपने